Hello students, today our topic is network protocols, and in this lecture we are going to discuss about network protocols, especially HTTP and HTTPS. In our previous lecture we already discussed about TCP/IP, SMTP, which is also known as Simple Mail Transfer Protocol, POP3, IMAP, and in this lecture our focus is on HTTP and HTTPS. So we will discuss HTTP and HTTPS in detail. So let's start. These are very popular protocols. So HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol, and HTTP offers a set of rules and standards which governs how any information can be transmitted on the World Wide Web. HTTP provides standard rules for web browser and server to communicate. HTTP is an application layer protocol which is built on the top of the TCP. And HTTP uses hypertext structure text, which establishes the logical link between the nodes containing text. And it is also known as stateless protocol, as each command is executed separately without using reference of the previous run command. So this is all about HTTP. So first thing is that HTTP is a stand for hypertext transfer protocol. First thing you should know, and which is very important, is the full form of HTTP, which is Hypertext Transfer Protocol. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि HTTP stand किस लिए करती है. HTTP stand for Hypertext Transfer Protocol. First point. The next point is that it is an application layer protocol. अब हम ये already discuss कर चुके हैं जब हमने TCP/IP model को discuss किया था. TCP/IP basically divides its whole process into four layers, in which one of the layer is application layer protocol, by which user can directly interact with network. तो ये application layer protocol है, application layer protocol है, application layer पर work करती है, ठीक है. अभी हमने पिछली बार SMTP पढ़ा था, वो भी आपकी application layer protocol ही थी. The third important thing is that it is an stateless protocol. When we say that stateless protocol, it means that इसकी जो भी command है किसी previous command से attached नहीं है, connected नहीं है, ना ही उसका कोई रेफरेंस है. सभी कमांड सेपरेटली एग्जीक्यूटेड होती हैं. जब हम कहते हैं सेपरेटली एग्जीक्यूटेड होती हैं, तो इसका मीनिंग स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है. ये कोई स्टेट नहीं है. ऐसा नहीं है कि थ्री या फोर स्टेटनेस और एक स्टेट दूसरे स्टेट पर डिपेंड करती है, एक स्टेट के कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरी स्टेट एग्जीक्यूट होगी, ऐसा नहीं है. एक कमांड इंडिविजुअल होती है, इसमें इंडिविजुअली एग्जीक्यूट होती है, और उसका किसी प्रीवियस कमांड से कोई कनेक्शन नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं इसे इट इज़ एन स्टेटलेस प्रोटोकॉल. क्लियर. जब हम कहते हैं HTTP offers a set of rules and standard, तो इसका मीनिंग प्रोटोकॉल से होता है, क्योंकि प्रोटोकॉल्स का मीनिंग ही सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स होता है. अभी इसका काम क्या है? इट governs हाउ एनी इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसलेटेड ऑन वर्ल्ड वाइड वेब. ये डिसाइड करती है कि किस तरीके से WWW या वर्ल्ड वाइड वेब पर कोई भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड होगी. सो इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर गवर्न हाउ एनी इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. तो वर्ल्ड वाइड वेब पर ट्रांसमिट कैसे इन्फॉर्मेशन होगी, ये इसको डिसाइड करता है. तो ये वेब ब्राउज़र के लिए और सर्वर के लिए रूल प्रोवाइड करते हैं कि दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे. वेब ब्राउज़र हम जानते हैं, वेब ब्राउज़र क्या है? आपका एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम है, जैसे मोज़िला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोर है. दीज ऑल आर द वेब ब्राउज़र्स जिस पर क्लाइंट साइट पर हम बैठते हैं और हम इनको यूज़ करते हैं, और सर्वर से कनेक्ट होकर हम डेटा को डाउनलोड करते हैं या एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है. सो HTTP ये रूल्स डिसाइड करता है कि वेब ब्राउज़र और सर्वर आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे. हाउ दिस टू विल बी कम्युनिकेट टू ईच अदर. नेक्स्ट, HTTP यूजेस हाइपरटेक्स्ट स्ट्रक्चर टेक्स्ट विच एस्टैब्लिश द लॉजिकल लिंक बिटवीन द नोड्स कंटेनिंग टेक्स्ट. HTTP एक हाइपरटेक्स्ट स्ट्रक्चर टेक्स्ट को यूज़ करता है, जो लॉजिकल लिंक क्रिएट करता है या एस्टैब्लिश करता है नोट्स के बीच में, जिसमें टेक्स्ट होता है आपका. तो ये एक और पॉइंट था. तो अगर हम इसे समराइज़ करें तो हमारे पास थ्री या फोर पॉइंट्स मेनली निकल के आते हैं एग्ज़ाम में लिखने के लिए. सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म लिखिए, ठीक है, इसके बारे में बताइए. एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, तो ये हो जाएगा सेकेंड पॉइंट, ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट. इसके बाद बताइए स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, और फोर्थ में इसके बारे में आप बताइए कि काम क्या करती है. तो ये काम क्या करती है? इट गवर्न्स हाउ एनी इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. तो दीज आर द फोर बेसिक रूल्स ऑफ HTTP. आप फिफ्थ पॉइंट को भी ले सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसी का एक्सटेंशन है पॉइंट नंबर फोर का.
STD provides standard rules for web browser and servers to communicate. These are more than sufficient. इतना काफ़ी रहेगा आपके लिखने के लिए. चलिए नेक्स्ट पर आते हैं. नेक्स्ट है HTTPS. अब देखिए ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी. HTTPS तो इसमें S ऐड हो गया सिर्फ, बाकी तो HTTP है. इट मीन्स इट इज़ अ एडवांस वर्जन ऑफ HTTP. तो ये HTTP का एक एडवांस वर्जन है. कुछ इसमें एडिशनल ऐड हुआ है ये तो हमें पता है. तो ऐड हुआ है तो कोई फीचर भी ऐड हुआ होगा, एक कैरेक्टर ऐड हुआ है तो कुछ फीचर्स भी ऐड हुआ होगा. ऐसे समझिए इसको, ऐसे याद करने की कोशिश कीजिए. तो बेसिकली ये HTTP के सभी इसके अंदर फंक्शनलिटी तो प्रेजेंट रहती है, कुछ एडिशनल फीचर्स भी अवेलेबल होते हैं इसके अंदर या प्रोवाइडेड होते हैं जो इसे HTTP से अलग बनाते हैं. तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म जो इम्पोर्टेंट है, HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर. तो एस रिफर फॉर सिक्योर. एस किसके लिए रेफर कर रहा है भाई? सिक्योर के लिए. इट मीन्स दैट इट इज़ अ मोर एडवांस वर्जन ऑफ HTTP. और हम कहते थे इट इज़ अ मोर सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP. तो HTTP के अंदर उतनी सिक्योरिटी नहीं थी और ये एक इसका ड्रॉबैक था. और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? HTTPS. इट इज़ हाईली एडवांस एंड सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP. ये बहुत ही हाईली एडवांस वर्जन है HTTP का और साथ ही साथ सिक्योर वर्जन तो है ही. इसकी फुल फॉर्म में भी सिक्योर वर्ड यूज़ हो रहा है तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही. पोर्ट नंबर 443 को यूज़ करता है डेटा कम्युनिकेशन में. ये पॉइंट आप अवॉइड कर सकते हैं, आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर से है. नेक्स्ट पॉइंट, इट अलाउज अ सिक्योर ट्रांजेक्शन बाय इंक्रिप्टिंग द एंटायर कम्युनिकेशन विद SSL. ओके, SSL को समझेंगे. SSL एक और प्रोटोकॉल है और ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ना, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, देखिए कि HTTPS टू प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन है. एक प्रोटोकॉल है HTTP और दूसरी प्रोटोकॉल है HTTPS. चलिए पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ. ये देखिए, वेट अ सेकेंड. ओके, देखिए अब आप इसमें HTTP और SSL ये दो हैं आपके. दीज आर द टू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स. नाउ वी नो द फंक्शनलिटी ऑफ HTTP. हम इसकी फुल फॉर्म भी जानते हैं, इसकी फंक्शनलिटी भी जानते हैं. क्या फंक्शनलिटी इसकी? इट डिफाइंस हाउ मैसेज आर ट्रांसमिटेड बिटवीन विजिटर ब्राउजर एंड वेबसाइट सर्वर. ये बताता है कि विजिटर ब्राउजर और वेबसाइट सर्वर के बीच में कोई भी मैसेज किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा. ये काम किसका है? इट इज़ अ वर्क ऑफ HTTP. ये ब्राउजर सर्विस के बीच में डेटा कैसे कम्युनिकेट होगा, हम या वे भी कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब से डेटा किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, ये देखने का काम आपका HTTP का होता है. तो SSL का क्या काम है? SSL के फुल फॉर्म समझ लीजिए. ये प्रोटोकॉल भी आपके सिलेबस में है, ठीक है, तो इसको यहीं समझ लीजिए, यहीं ख़त्म करते हैं इसको. डिटेल में बाद में देखेंगे, क्योंकि आपको बेसिकली सभी प्रोटोकॉल्स की फुल फॉर्म और उसकी बेसिक फंक्शनलिटी का समझ में आना ज़रूरी है. तो फुल फॉर्म है इसकी सिक्योर सॉकेट लेयर. अभी काम क्या करती है, काम समझ लीजिए. इट प्रोटेक्ट्स एंड इनक्रिप्ट्स इंफॉर्मेशन सेंट अक्रॉस द इंटरनेट. इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, इसका काम उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है और साथ ही साथ उस इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करना है. इनक्रिप्ट करने से मतलब यह है उसे अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है ताकि कोई भी उस मैसेज को डिकोड ना कर सके. और जब ये मैसेज सेंड हो जाएगा और डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा तब ये मैसेज ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी इनको फिर ये डिकोड होगा और इसे हम बोलते हैं डिक्रिप्शन बोलते हैं. तो ये फिर आपका ये फिर अपना ओरिजिनल फॉर्म में आपका मैसेज रिसीव हो जाता है. लेकिन इन बिटवीन अगर मैसेज कहीं भी आपका कोई देख लेता, कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से, हैकर भी कोई भी, तो फिर उसमें उस मैसेज, चूँकि वो मैसेज अनरीडेबल फॉर्मेट में होगा, सो दैट इज़ मीनिंगलेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो उसका कोई मतलब नहीं होगा. तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम करता है. तो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के टर्म्स में और सिक्योरिटी का काम ये भी है इसमें एक मेन फीचर्स कि इनक्रिप्ट कर देता है इन्फॉर्मेशन को, जो भी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर भेजी जाती है. अभी इन दोनों को कम्बाइंड करके एक प्रोटोकॉल बनाया गया, जिस प्रोटोकॉल को बोलते हैं हम HTTPS. तो अभी आप डायग्राम में आपको ये सब बात समझ में आ रही होगी कि देखिए HTTP तो ब्लू कलर से लिखा है और SSL में आपका ग्रीन कलर से लिखा हुआ है. तो SSL का जो पहला S है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सिक्योर. तो अब ये क्या बन गया? HTTPS यानी S हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर. तो एग्ज़ाम में अगर लिखने को आता है आपको HTTPS, तो आप HTTP के बारे में लिख दीजिए
और SSL के बारे में लिख दीजिए, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स को लिख दीजिए कम्बाइंडली, तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। आसान है आई थिंक, अब इससे ज़्यादा आसान तो नहीं हो सकता समझाना इसको। तो ये आपको इस तरीके से लिख के आना है, ठीक है। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्ज़ाम में, वेट ए सेकेंड, ओके, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपका एज फार एज प्रोटोकॉल सर कंसर्न नॉट मोर देन आस्ट 1 or 2 marks, तो मुझे नहीं लगता कि 1 or 2 marks से ज़्यादा का कोई क्वेश्चन आएगा प्रोटोकॉल्स का, आना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली डायरेक्ट पूछा भी नहीं आता, अभी जो इसका ईयर में पूछा गया है, लास्ट ईयर में जो मॉडल पेपर आया है उसमें इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, मेन पॉइंट ये है। तो लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको यह है कि आपको उसकी फंक्शनलिटी का अगर पता है तो आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर दोगे, अगर नहीं पता है रटाया आपने तो फिर कुछ उसका मतलब निकलता नहीं है। तो आपको उसका बेसिक फंक्शनिंग समझ में आनी चाहिए कि ये किस पर्पज़ के लिए, ये प्रोटोकॉल किस पर्पज़ को फुलफ़िल करती है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, और फुल फॉर्म तो पता होना ही चाहिए। सो कम बैक टू द पॉइंट, तो HTTPS इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोटोकॉल्स और टू वर्ड्स, HTTP एंड SSL। फर्स्ट ऑफ ऑल HTTP एंड SSL आर टू प्रोटोकॉल्स, तो दोनों का अपना एक इंडिविजुअल वर्क है। HTTP का वर्क है ये बताने का कि विजिटर ब्राउज़र और वेबसाइट सर्वर के बीच में डेटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, और SSL का काम ये है कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है इंटरनेट पर, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये याद रखिएगा। इस डेफिनेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है HTTP का, ये जब हम FTP पढ़ेंगे तब भी आपको बात और आसानी से अच्छी तरह समझ में आएगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आप इसको हाईलाइट कर देता हूँ और आपको फिर मैं रिकॉल करूँगा इस पॉइंट को दोबारा से। वहाँ पर HTTP डिफाइंस हाउ मैसेज आर ट्रांसमिटेड बिटवीन विजिटर ब्राउज़र एंड वेबसाइट सर्वर, ये बताता है कि मैसेज विजिटर ब्राउज़र से वेबसाइट सर्वर पर कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। ये पॉइंट याद रखिए, ब्राउज़र से सर्वर की तरफ, ओके, यानी क्लाइंट से सर्वर की तरफ यहाँ पर बात हो रही है, सर्वर से क्लाइंट की तरफ बात नहीं हो रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, HTTP मेक्स इट हार्डर फॉर द हैकर्स टू ब्रेक द कनेक्शन, HTTPS मेक्स इट हार्डर फॉर हैकर्स टू ब्रेक द कनेक्शन एंड स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज द क्रेडिट कार्ड नंबर्स, एड्रेस एंड पासवर्ड। तो HTTPS क्या करता है, जब क्लाइंट से सर्वर की तरफ इन्फॉर्मेशन जाती है तो देखिए हमको क्या बचाना है, हमको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। तो HTTPS क्या काम करती है, HTTPS जो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, सपोज डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस है, पासवर्ड है, तो किसी भी हैकर को हैक करने से बचाती है, क्योंकि इसके साथ SSL भी अटैच होता है। और आपने ये देखा होगा जो बैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं उसमें प्रोटोकॉल जो सबसे पहले वर्ड जो लिखा है या वेबसाइट को ओपन करते हैं तो HTTPS ही लिखा है, इट मीन्स इट इज़ अ सिक्योर वर्जन, तो सिक्योर वर्जन है प्रोटोकॉल, HTTP का सिक्योर वर्जन वहाँ यूज़ होता है। इसका मेन मीनिंग ये है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं सर्वर की तरफ वो टोटली सिक्योर है। जहाँ HTTPS नहीं होता वहाँ समझ जाइएगा एड्रेस में कि वो वेबसाइट उतनी सिक्योर नहीं है, क्लियर। सो HTTPS हेल्प्स फर्दर प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ योर विजिटर, और साथ ही साथ अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम हैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी सोचें तो ये हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है, तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। अब डिफरेंस की बात आती है, चलिए डिफरेंस देख लेते हैं। HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, देखिए डिफरेंस आ सकता है एग्ज़ाम में 2 marks में 3 marks में, तो अभी आपने अगर दोनों को समझ लिया तो आई डोंट थिंक कि अभी डिफरेंस लिखने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। ऑलवेज रिमेंबर दैट डिफरेंस शुड बी रिटन इन टेबल ऑफ फॉर्म, तो आपको अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो टेबल ऑफ फॉर्म में लिखिए, क्योंकि टेबल ऑफ फॉर्म में क्लियर कट पता चल जाता है कि क्या लिखा गया है और कितने पॉइंट्स लिखे गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 marks का क्वेश्चन है तो आप 3 or 4 points लिखिए, 3 marks का क्वेश्चन है तो 4 to 5 points लिखिए एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि 1-2 points हो सकता है कि ऑब्जेक्शन हो जाए यहाँ पर, कि जैसे कुछ को लगता है कि टीचर्स को कि फुल फॉर्म कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। बाकी फंक्शनलिटी को और सिक्योरिटी वर्जन को और दूसरी अदर पॉइंट्स को वो कंसीडर कर सकता है, तो वहाँ पर आप 1-2 points एक्स्ट्रा ही लिखिए जितने भी मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर मार्क्स कहीं से आपके डिडक्ट हो सकते हैं उस केस में। तो मार्क्स देखिए, ये कहा जाता है कि मार्क्स टीचर्स के हाथ में होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, मार्क्स आपके अपने हाथ में होते हैं। अगर आपने कंटेंट सही लिखा है, प्रॉपर वे में लिखा है, तो मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं बोर्ड में, कोई आपको डिडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको साथ साथ ये बातें बताता रहता हूँ, अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, कि आपको लिखना कैसे है,
ये भी याद रखिएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पावर पॉइंट स्लाइड्स के थ्रू ये बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ कि ये पॉइंट्स को किस तरीके से लिखना है एग्ज़ाम में, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आता है और मार्क्स से क्वेश्चन आने में आपको कितना लिखना है। तो ये बातें आप याद रखिएगा, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। ठीक, तो अगर डिफरेंस आता हो तो याद रखिए कि टेबल फॉर्म में डिफरेंस लिखने की कोशिश कीजिए, अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। और जितने मार्क्स का क्वेश्चन आया उसे, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया 3 to 4 पॉइंट्स एटलीस्ट ज़रूर लिखिए आप कम से कम। ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने 2 पॉइंट्स लिख दिया, आपने कहा दैट इज़ मोर देन सफिशेंट, तो ऐसा नहीं होता। आप एक सेफ हैंड अपना लेके चलिए कि हाँ एक आपको और डिफरेंस, एक या दो डिफरेंस जो आपको पता है वो आपको लिखने हैं। जैसे अभी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा का आएगा नहीं, तो पॉसिबल भी नहीं है। 5 डिफरेंस दे रखें आप, इसके अंदर 4 पॉइंट्स एटलीस्ट लिख सकते हैं जो अगर आपको याद रहता है तो। क्योंकि देखिए आप अगर आप 5 पॉइंट्स याद या 6 पॉइंट याद करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में मे बी पॉसिबल कि आप एक दो पॉइंट भूल जाएं उसमें। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको अगर 2 पॉइंट याद है, 3 पॉइंट्स याद हैं आपको या मेन फंक्शनलिटी याद है तो वो आपके लिए सही रहेगा। तो ये भी याद रखना चाहिए कि एग्ज़ाम में जब हम कंप्लीट बुक की बात करते हैं तो हमें सभी पॉइंट्स उस समय याद नहीं आते, ये भी पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि हम किसी एक पॉइंट को भूल जाएँ। तो वहाँ आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा ही लेके चलिए। चलिए बात करते हैं, कम बैक टू द पॉइंट, HTTPS की। तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड HTTPS स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद सिक्योर। ओके, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है एक्स्ट्रा, इट इज़ नॉट सिक्योर एंड अनरिलायबल। अभी इसकी फंक्शनलिटी के बारे में बता रहा है कि HTTP ये आपके सिक्योर नहीं है और अनरिलायबल है, जबकि आपका इट इज़ अ मोर सिक्योर एंड रिलायबल वर्जन ऑफ HTTP। जबकि HTTPS आपका सिक्योर और रिलायबल वर्जन है HTTP का, HTTP का ही एक्सटेंशन है। इट मीन्स दैट जो भी HTTP की फंक्शनलिटी, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द HTTP, प्लस देर इज़ अ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड इन HTTPS। नेक्स्ट है HTTP URL बिगिन विद HTTP। तो HTTP का URL जो होता है वो HTTP से स्टार्ट होता है, आपने देखा होगा। तो जिसमें भी HTTP की सिक्योरिटी होती है आपकी, जो वेबसाइट आपकी, सर्वर आपके HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, वहाँ URL में HTTP लिखा हुआ आएगा और HTTPS में HTTPS लिखा होगा। ये आपको बैंकिंग साइट्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि उनके लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स ज़्यादा होते हैं। क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, ये लीक ना हो जाए तो इसके प्रोटेक्शन के लिए ये HTTPS यूज़ करते हैं। पोर्ट नंबर की बात आती है तो ये रटने वाले ही पॉइंट है फ़िलहाल, तो आप पोर्ट नंबर 80 को यूज़ करता है HTTPS। HTTP यूज़ पोर्ट 80 बाई डिफ़ॉल्ट और इट यूज़ पोर्ट नंबर 443। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 50, इट इज़ सब्जेक्ट टू मैन इन द मिडल एंड एवर्स ड्रॉपिंग अटैक्स, इट इज़ डिज़ाइन टू विदस्टैंड सच अटैक्स एंड कंसिडर सिक्योर अंगेज सच अटैक्स। तो ये आपका ये याद रखिएगा कि HTTPS की सिक्योर वर्जन है तो हैकर से बचाने के लिए हम HTTPS को यूज़ करते हैं, जबकि HTTP में इस तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइडेड नहीं होती। इसमें आपके ये याद रखिएगा, इसमें कोई भी पर्सन HTTP अगर यूज़ हो रहा है तो डेटा को चेंज, डेटा को हैक कर सकता है, ठीक है, डेटा को यूज़ कर सकता है, लेकिन HTTPS में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक और स्लाइड है HTTPA के बारे में बताया गया है, इसमें थोड़ा सा और डिटेल बताया गया। तो पॉइंट्स कुछ तो वही थे, कुछ एक दो पॉइंट और यहाँ मिल जाएंगे आपको। सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, HTTP आपकी यूज़ होती है वो सिस्टम पर, इंटरनेट पर ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए यूज़ होती है, जबकि HTTPS नीड्स और अक्रॉस द एड्रेस एक्सचेंज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ओवर इनसिक्योर इंटरनेट। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के काम आती है जो कॉन्फिडेंशियल होती है, क्योंकि इंटरनेट तो इनसिक्योर है, तो इनसिक्योर इंटरनेट पर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन से आपकी एक्सचेंज करने के लिए HTTPS को यूज़ किया जाता है, जबकि HTTPS सिंपली ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग के लिए यूज़ होती है इंटरनेट पर। HTTP इज़ अप्रोप्रिएट वैन नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नीज टू बी एक्सचेंज। अब ये बड़ा अंडरस्टूड सी बात है, अभी आप इस पॉइंट को एलैबोरेट भी कर सकते हैं, ये कोई नया पॉइंट नहीं है। जब देखिए सिक्योर नहीं है तो ऑब्वियसली नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हम सेंड करेंगे इंटरनेट पर, तो हम यूज़ किया जाता है HTTP, और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए जहाँ डेटा को इनक्रिप्ट करने की ज़रूरत है, ट्रांसफ़र और इनक्रिप्शन की, इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, वहाँ HTTPS यूज़ किया जाता है। HTTPS यूज़ क्या होती है, HTTP यूज़ होती है ब्लॉग्स में, इंटरटेनमेंट में, आर्टिकल में, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी डजेंट मैटर, कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। तो आप ब्लॉग लिख रहे हैं वो तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं किसी का भी, इंटरटेनमेंट के लिए, आर्टिकल्स के लिए, तो वहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि फाइनेंशियल और अदर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए HTTPS का यूज़ होता है, स्पेशली बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए HTTPS का यूज़ होता है।
यूज़ फॉर डेटा ट्रांसफर एंड हेडर फ्रॉम क्लाइंट, ये डेटा ट्रांसफर के लिए यूज़ होता है। एंड HTTP विद इन SSL और TLS, तो ये HTTP हम ये कह सकते हैं HTTPS कुछ अलग नहीं है बल्कि SSL और HTTP का ही कॉम्बिनेशन है। इस पॉइंट को हम ऑलरेडी बता चुके अभी इस पॉइंट में अभी तक हमने जो 4 पॉइंट पढ़े, इसमें 4 पॉइंट में मेरे हिसाब से आपके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए कि HTTP हम नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि ब्लॉग्स, एंटरटेनमेंट आर्टिकल्स को लिख सकते हैं। आप इन दोनों को पॉइंट को कंबाइंड कर दीजिएगा, ठीक है। और HTTPS में हम इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे फाइनेंशियल कोई वर्क है या कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उसको सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसका इन्वेंट किसने किया था? सर टिमोथी जॉन इन्वेंटेड दिस प्रोटोकॉल HTTP एंड नेटस्केप कॉर्पोरेशन इन्वेंटेड द प्रोटोकॉल। तो ये याद रख लीजिएगा, पोर्ट नंबर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। SSL सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, यूज़ ही नहीं होता HTTP में, तो यूज सर्टिफिकेट की कहाँ से रिक्वायरमेंट होगी, जबकि SSL HTTPS में यूज़ होता है। तो लास्ट टू इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है। अभी आप इसको याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं किसे इन्वेंट किसने किया था। जिस ऑर्डर में मैं आपको बता रहा हूँ उसी ऑर्डर में आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते समय लिख लीजिएगा। यहाँ मैं आपको याद रखिएगा, एक्स्ट्रा ही पढ़ाता हूँ कुछ पॉइंट, ताकि एग्ज़ाम में आप अगर कुछ पॉइंट भूल भी जाएँ, याद तो आपको सब कुछ करना ही है, तो आप के पास उतना कंटेंट हो कि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट, ये हो गया थर्ड पॉइंट, ठीक है। इस थर्ड पॉइंट के बाद आ जाइए यहाँ पर, इसके बाद ये दोनों बातें एक ही हैं, अलग अलग तरीके से कही गई हैं, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हो। मैं दोनों को कंबाइंडली 4 पॉइंट दे देता हूँ। पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 5, ठीक है, ये पॉइंट नंबर हो जाएगा आपका 6। 6 पॉइंट मोर देन सफिशेंट है आई थिंक, ठीक है। तो ब्लॉक्स वाले पॉइंट को भी आप इसी में लिख सकते हो, ये इसका एग्जांपल है, ब्लॉक्स एंटरटेनमेंट आर्टिकल वाला पॉइंट, इन दोनों को एक साथ ही लिखना है आप, अगर आप इसको लिख रहे हो तो। अगर आप इसको लिख रहे हो तो ये, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट को ही थोड़ा सा ये कह सकते हैं हम कि उसी का रिपीटेशन है एक तरीके से, लेकिन अलग तरीके से उस बात को समझाया गया है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट कहता है सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग रिसीविंग इन्फॉर्मेशन ओवर इंटरनेट HTTP, वेट अ मिनट, क्योंकि ये पॉइंट कहता है आपका HTTP नीड्स अक्रॉस द एड्रेस एक्सचेंज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि वो उसको इनक्रिप्ट करके भेजा जाएगा, तभी वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, अदरवाइज कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगी। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, एक पॉइंट आपका ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं, तो ये याद हो गया, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अभी तक जितना पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट HTTP और HTTPS है, एंड इट इज़ ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुकी है कई बार, सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, यू कैन सी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एंड इट इज़ आस्क्ड सो मेनी नंबर ऑफ टाइम HTTP एंड HTTPS। और अगर लॉन्ग में आया तो डिफरेंस आएगा, अदरवाइज़ ये इंडिविजुअली पूछी गई तो फुल फॉर्म इनकी फंक्शनलिटी को पूछा जा सकता है। बात करते हैं एक और प्रोटोकॉल की, एंड दैट प्रोटोकॉल इज़ कॉल्ड द टेलनेट। ये पूछा जा चुका है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, इनफैक्ट HTTP से ज़्यादा ये टेलनेट पूछा जा चुका है। एंड इसके बारे में ये है कि ये रिपीटेडली कई बार पूछा जा चुका है, आई थिंक 3 to 4 ईयर ये कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा गया है आपका, आप देखेंगे 2016 में, 17 में और आई थिंक 18 में भी पूछा गया है। हर बार पूछा जाता है किसी न किसी तरीके से, क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन भी चेंज नहीं होता, डायरेक्ट टेलनेट के बारे में पूछ लेता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टेलनेट प्रोटोकॉल, या डिफाइन टेलनेट प्रोटोकॉल एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेलनेट प्रोटोकॉल। और ये भी पूछा जा सकता है कि रिमोट लॉगिन के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ होती है। तो समहाउ किसी न किसी तरीके से टेलनेट को पूछा जाता है, तो सो इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने अभी बता दिया। और इसकी फुल फॉर्म भी जैसे डायरेक्ट औरों को हम याद कर लेते उतना आसान भी नहीं है। तो ये टेलनेट एक्चुअली ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, टर्मिनल और नेटवर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, टर्मिनल और नेटवर्क। तो टर्मिनल का TE और नेटवर्क का नेट, इन दोनों को कंबाइंड करके एक वर्ड बना जिसे हम बोलते हैं टेलनेट। सो टेलनेट स्टैंड फॉर टर्मिनल नेटवर्क, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये,
फर्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए, अगर वाइवा में पूछता है या कोई एग्जामिनर पूछता है, तो आपको ये पॉइंट अगर है तो आप लिख के आ गए तो आपको समझ लीजिए कि आपका अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ये पॉइंट है, इट इज़ अ प्रोटोकॉल रिमोट लॉगिन, इसको याद रख लीजिएगा। ये प्रोटोकॉल रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ होती है। अब रिमोट लॉगिन क्या है ये समझना अभी हमें, तो हम आगे समझेंगे। लेकिन एक विद इन अ सिंगल लाइन आपको ये समझ लेना है, टेलनेट स्टैंड फॉर टर्मिनल नेटवर्क एंड इट स्टैंड फॉर एंड इट इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर रिमोट लॉगिन। ये रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ की जाने वाली प्रोटोकॉल है और ये टर्मिनल नेटवर्क के, इसकी टर्मिनल नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल दैट इनेबल्स वन कंप्यूटर कनेक्ट टू द लोकल कंप्यूटर। अब ये काम क्या करती है, काम ये करती है कि एक कंप्यूटर को लोकल कंप्यूटर से कनेक्ट कर देती है। तो जब हम वर्ड यहाँ यूज़ करते हैं लोकल कंप्यूटर, तो इसका क्या मतलब है ये समझना ज़रूरी है हमको। तो कंप्यूटर विच स्टार्ट कनेक्शन नोन एज द लोकल कंप्यूटर, एक कंप्यूटर जो कनेक्शन करना स्टार्ट करता है उसको लोकल कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर विच इज़ बीइंग कनेक्टेड टू और विच एक्सेप्ट द कनेक्शन नोन एज रिमोट कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर कनेक्ट किया जाता है लोकल कंप्यूटर से, ठीक है, कनेक्ट होता है, उसको हम रिमोट कंप्यूटर बोलते हैं। तो रिमोट कंप्यूटर को लोकल कंप्यूटर से कनेक्ट करने का काम जो करती है वो आपके टेलनेट करती है, ठीक है। तो ये इसका मेन पर्पज़ होता है, इसलिए इसको रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल बोला जाता है। रिमोट लॉगिन का मतलब है कि आपका सेम प्लेस पर होना ज़रूरी नहीं है, आप आउट ऑफ स्टेशन है, बाहर हैं, और अपने लैपटॉप को, मोबाइल को पर्टिकुलर किसी एक कम नेटवर्क से या पर्टिकुलर किसी कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके थ्रू जब आप कनेक्ट हो रहे हैं तो आपका कंप्यूटर उस समय लोकल कंप्यूटर कहलाएगा, और जिससे आप कनेक्ट हो रहे हैं वो आपका रिमोट कंप्यूटर कहलाएगा, क्योंकि उसकी लोकेशन चेंज है आपकी, आपके पास नहीं है वो। तो ये प्रोटोकॉल वहाँ उस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, टेलनेट के लिए। अब देखिए इसी पॉइंट को एलेबोरेट किया गया, व्हेन द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द लोकल एंड द रिमोट कंप्यूटर ड्यूरिंग टेलनेट ऑपरेशन, वट एवर दैट इज़ परफॉर्मिंग ऑन द रिमोट कंप्यूटर विल बी डिस्प्लेड ऑन द लोकल कंप्यूटर। अब यहाँ ये समझाया गया है कि रिमोट कंप्यूटर का क्या मतलब है। जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो होगा ये कि जो भी कुछ रिमोट कंप्यूटर पर चल रहा है वही लोकल कंप्यूटर पर डिस्प्ले होगा, ये मतलब होता है। तो आप आउट ऑफ स्टेशन हैं, आपने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया पर्टिकुलर किसी दूसरे कंप्यूटर से, ठीक है, या बाहर हैं, अभी जो कुछ रिमोट कंप्यूटर पर एप्लीकेशन रन हो रही होगी सेम एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर पर भी रन होगी, तो ये एडवांटेज रहता है इसका। सो टेलनेट ऑपरेटर द क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल, अब ये क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल वर्क करता है। लोकल कंप्यूटर यूज़ टेलनेट क्लाइंट प्रोग्राम, तो अभी इसमें जो लोकल कंप्यूटर वो क्लाइंट प्रोग्राम को यूज़ करता है और रिमोट कंप्यूटर टेलनेट सर्वर प्रोग्राम को यूज़ करता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेसिकली हमें इसमें इतना समझ में आया या हमको ये समझना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेलनेट प्रोटोकॉल स्टैंड फॉर टर्मिनल प्रोटोकॉल, टर्मिनल नेटवर्क प्रोटोकॉल, एंड इट इज़ यूज फॉर रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल। अब इसमें ये रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है एंड इट इस्टेब्लिशेज कनेक्शन बिटवीन लोकल कंप्यूटर एंड रिमोट कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर विच स्टार्ट कनेक्शन इज़ नोन एज लोकल कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर विच इज़ बीइंग कनेक्टेड इज़ नोन एज रिमोट कंप्यूटर, एंड वाट एवर वी डिस्प्लेड आवर रिमोट कंप्यूटर विल बी डिस्प्लेड ऑन लोकल कंप्यूटर। तो जो भी कुछ रिमोट कंप्यूटर पर रन होता है वही आपका लोकल कंप्यूटर पर भी रन होता है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट ऑपरेट्स ऑन क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल, क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर रन करता है, जिसमें क्या होगा कि आपका जो लोकल क्लाइंट प्रोग्राम होगा, लोकल कंप्यूटर टेलनेट के क्लाइंट प्रोग्राम को यूज़ करेगा, जबकि आपका जो रिमोट कंप्यूटर होगा वो टेलनेट सर्वर प्रोग्राम को यूज़ करेगा। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू टेलनेट। तो आज के लिए इतना ही, अभी FTP बचा है आपका, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम FTP को डिस्कस करेंगे, और FTP भी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, ठीक है। प्रोटोकॉल 5 to 4 मार्क्स ही आती हैं एग्ज़ाम में, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको एक से ज़्यादा ही आएंगे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो अभी FTP का काम वही है जो HTTP का काम था, जो मैंने आपको HTTP समझाया था, तो मैंने ये कहा था कि इस पॉइंट को याद रखिएगा, और जब हम FTP पढ़ाएंगे तो वहाँ डिफरेंस बताएंगे। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पॉइंट ये है कि FTP कैन बी यूज फॉर कॉपी और मूव फाइल्स फ्रॉम अ सर्वर टू द क्लाइंट कंप्यूटर एज वेल एज अपलोड और ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर। इट मीन्स दैट इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल, तो ये बाई डायरेक्शनल है आपकी, जबकि HTTP आपकी
वन वे कम्युनिकेशन को फॉलो करती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर इस पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा, दैट पॉइंट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।